फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी बकरा ईद की बहुत नजदीक है और हम लोग की चालू है मटन स्पेशल रेसिपी, यानी कि बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। तो सबसे पहले हमने अपने कौन से डिश बनाए थे? कोफ्ता, मटन कोफ्ता, और सेकंड डिश गया था मटन टिक्का बोटी, और तीसरी रेसिपी आज जो के आने वाली है वो है मटन कोरमा। ये भी बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आंटी मटन कोरमा शेयर करो, मटन कोरमा शेयर करो। जैसे कि हमने चिकन कोरमा ऑलरेडी शेयर किया है, तो आज बनने वाला है मटन कोरमा। चलिए नजर मारते हैं मटन कोरमा बनाने के लिए अम्मी क्या क्या यूज करेंगे। चलो, तो सबसे पहले लगेंगे हमको मटन, दो वाटी प्याज, कोथमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटे का पेस्ट, दही, काली मिर्च की बुक्की, गरम मसाला बुक्की, एक आलू, एक प्याज, कसूरी मेथी, खड़े गरम मसाले, और ये हमारे मसाले। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं कोरमे का सालन बनाना। कोरमा बनेगा मेरे स्टाइल में, ठीक है? तो सबसे पहले लेंगे हम अपना मटन। ये मटन 300 ग्राम है, ठीक है? 300 ग्राम मटन है, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन, आधा चम्मच हल्दी, हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, और इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का प्याज, ठीक है? अब इसको हम गलने के लिए चढ़ा देंगे, और पानी डालेंगे हम 400 ml। अब हम इसकी सीटी लगा देंगे, पूरी 10 सीटी होए तक। कितनी? 10। तो चलो 10 सीटी हो गई, खोलते कुकर, देखते हैं गोश्त गला या नहीं अपना। बहुत गर्म है यार। हाँ, गोश्त तो गल गया। तो चलो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। हाँ, अब इसको रखते हैं साइड में, और अभी हम कढ़ाई चढ़ाने से पहले एक काम करेंगे। जो ये दो प्याज लिए हैं ना, दो वाटी, ये दो बड़े साइज के प्याज है, दो बड़े साइज के प्याज है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले पीस लेंगे, उसके बाद हम कोरमा बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैंने पीस ली मेरा प्याज लाल करेवा, ठीक है? अभी मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, अब हम डालेंगे इसमें तेल। अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, ठीक है? दो बड़े चम्मच तेल ले ली मैंने, अब हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े गर्म मसाले। इसमें मैंने ले ली हूँ 2 से 3 प्याज, ये 2 से 3 तेज पत्ता, सॉरी, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा साजीरा, 2 लौंग, 1 फूल, 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, और ये 8-10 काली मिर्च, ठीक है? इसको थोड़ा सा तड़का लग गया, अब हम डालेंगे इसमें हमारा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी थोड़ा सा इसको 10 सेकंड भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इसकी ज़रा जो कच्ची कच्ची स्मेल रहती है वो निकल जाए। फिर हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी की बुक्की, आधा चम्मच जीरा बुक्की, 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया की बुक्की, भर के 1 चम्मच भर के डालेंगे मिर्ची की बुक्की, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची, ठीक है? इसको अच्छे से जरा हिला लेंगे,
हाँ अभी हमारे मसाले नहीं जलने चाहिए, अभी हम इसमें डालेंगे डायरेक्ट हमारा पिसा हुआ टमाटर। हाँ अब ये इसको अच्छे से भूनेंगे, कम से कम ये पूरा टमाटर का पानी सूखे तक। तो देखो मेरा टमाटर का पानी अच्छे से सूख लिया है और भून गया है अच्छा मसाला। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, ये जो गोश्त है ना गला हुआ, ये पूरा ये मसाले में डालूंगी, पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ गोश्त पानी इसी में रहने दूंगी। देखो पानी पूरा इसी में रहने दूंगी, सिर्फ मैं गोश्त डाल दूंगी ताकि ये गोश्त को थोड़ा मैं मसाले में अच्छे से भून दूँ। ठीक है अब यही जगह पे मैंने जो एक आलू ली थी ना ये भी डाल दूंगी। अब ये तो मेरा भून गया है सब अच्छे से, अब मुझे डालना है इसके अंदर ये 100 ग्राम दही जो मैंने ली हूँ। ठीक है अब गोश्त को ये दही अच्छे से लगना चाहिए, और ये जो है ना गरम मसाला ये आधा डालूंगी, आधा एकदम लास्ट में, और ये काली मिर्च ये भी अभी मैं डाल दूंगी। ठीक है और थोड़ी सी कसूरी मेथी अभी डालेंगे, थोड़ी लास्ट में डालेंगे। अब इसको मैं 2 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से। तो चलो देखते हैं 2-3 मिनट हो गए है ना, मेरी दही अच्छे से पक गई, अभी दही तो पक गई है माशाल्लाह अच्छे से। अब हम डालेंगे ये हमारा पिसा हुआ प्याज, ये डाल करके पीसे ना हमने प्याज को, तो हम ये डाल देंगे इसमें, ये इसमें मिला लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम ये जो अभी मटन का शुरुआत रखे थे ना, मटन गलाए थे ना, तो इसका जो शुरुआत है अब हम डालेंगे इसमें ये। अब हम अच्छे से मिलाएंगे हमारी प्याज भी, तो देखो 2 मिनट तक मैंने प्याज डाल के अच्छे से इसको पका ली हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ये कसूरी मेथी, अब डालेंगे हमारा ये बचा हुआ गरम मसाला, और डालेंगे हमारा आलू गलने के लिए थोड़ा पानी। हाँ अब आपको जितनी ग्रेवी लगती है इस टाइम पे देख लेने का, आपको कोरमा कितना गाढ़ा चाहिए। अब मेरे को आलू गलाना है बोलके मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, और ये मोमेंट पे आके हम नमक देख लेंगे कि नमक कितना चाहिए। ठीक है क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त गलाने में नमक डाले थे ना, तो इसमें थोड़ा नमक अभी कम है, तो मैं अभी इसमें थोड़ा नमक डालूंगी। अब हम इसको आराम से 10 मिनट तक पकने देंगे, वो भी ढक के। अब 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, तो चलो देखते हैं। 10 मिनट हो गया, मेरा कोरमा तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह, देख रहे हैं आप लोग, हो गया ना मेरा कोरमा तैयार, मेरे आलू भी गल गए। अब हम क्या करेंगे मालूम, अब इसमें है ना ये केवड़ा वाटर डालेंगे, सिर्फ 2 बूंद खुशबू के लिए। हाँ क्योंकि शादी में जाते तो खुशबू आती है ना उनके कोरमे में, इसलिए कोरमे में डाल सकते हैं। अब बहुत से लोग नहीं डालते, बहुत से लोग डालते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें ये 2 हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। ये हो गया हमारा कोरमा रेडी। तो अपना मटन कोरमा रेडी हो चुका है। देखो अभी कैसा है, ये बड़ी वाली डिश तो नहीं कि जो वैसा दिखाऊं, हम लोग ने निकाल लिया हमारी एक रोटी खाने के लिए, ऐसे टेस्ट करने के लिए कि कैसा है। तो हमने लिया है पराठा, और ये डिश ना आप तंदूरी के साथ भी खा सकते हो, जो लंबे वाले राइस आते ना बासमती 100 रुपीज वाले उसके साथ भी मस्त लगता है सालन। मटन कोरमा बहुत अच्छा लगता है, और अब मैंने ना चिकन कोरमा ऑलरेडी बनाया है गाइस, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना चिकन वालों। और ये रहा मटन वालों के लिए, जो कि बकरा ही स्पेशल है भाई,
तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बोटी देखता हूँ। बोटी ये बात मजा आती है मेरे को अम्मी के हाथ की यार। बड़े की मतलब जो बोटी है ना, बोटी वो जल्दी ना गलती नहीं है, और अम्मी ना उसको भी एकदम बोलते ना आपू सांप जैसा गला लेते हैं। अम्मी कैसा है नंबर खा के देखते। अब मेरी बात आओ फिर बिस्मिल्लाह करो। मटर मटर कोरमा आज ये भाई मटन कोरमे की टेस्ट की बात ही अलग है यार। मटन कोरमा सालन में अभी इसमें मैंने स्पाइसी जितना डाली मुझे लगता है हमारी फैमिली को, आपको तेज लगता है तो आप और मिर्ची बढ़ा के डाल सकते हैं। मिर्ची ऐड कर सकते हैं। एक नंबर बनाओ। हाँ और ये मटन है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ये खाने में बहुत मजा आता है। शादियों वाला मटन कोरमा। हाँ गरीबों की शादी में मटन कोरमा बच जाता है। हाँ मस्त बने लिए। तो गाइस लेडीज जिस किसी को भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो यार शेयर करो। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ शेयर करो। 70,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। जल्दी से 1,00,000 करवा दो यार, शेयर करो, लाइक करो। 70,000 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू। सही में। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक करे बिना तो जाओ भी मत, शेयर भी कर दो। हाँ एक और अपना ढेर सारा प्यार भी ना मेरे को देते रहो। हाँ बहुत जरूरत है आप लोगों की मुझे। और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, स्ट्रीट फूड जायका के नाम से मेरी आईडी है। तो गाइस प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और कमेंट्स करते रहना, मैं रोज पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स। सजेशन नहीं आ रहे, सजेस्ट करो कि नेक्स्ट रेसिपी आपको खिचड़ी की देखना है, मतलब किस चीज की देखना है। ठीक है इसको ना जो खाने का रहता ना वो इसके मुंह में बहुत आता है, बार बार आता है। मटन खिचड़ा वो भी बहुत स्पेशल होता है बकरा ईद का। बहुत से लोग इंतजार में रहते हैं खिचड़ा सिर्फ हम बकरा ईद में ही खाएंगे मटन का। हाँ, लेकिन वो मोहर्रम का खिचड़ा होता है। हाँ, लेकिन मिलता नहीं ना वो बाहर रोड पे टोप लगा के खड़े हो, मजा नहीं आती ना। तो सजेशन करो यानी कि किस चीज की आपको रेसिपी देखना है, क्योंकि अभी देखो ईद तक के ना ये सीरीज चल रही है सिर्फ मटन आएगा ईद तक के। तो फटाफट आपको जो डिश देखना है मटन की कमेंट बॉक्स में जाओ, सजेशन करो, और ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। ये खाते रहेगा।